हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं काफ़ी अरसे से YouTube से गायब था, और उसकी वजह थी कि मैं पाकिस्तान गया। आप सबको पता ही है तकरीबन के एक अरसा दराज के बाद पाकिस्तान जाने का मौका मिला, और माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा लगा पाकिस्तान जाना। बस क्या बताऊँ, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मसलन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी हैं जैसे हम सब छोड़ कर आए थे। उसी तरीके का खलूस है, उसी तरीके का प्यार है, उसी तरीके की चाहते हैं, मोहब्बत है। और पता है, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक तो यह है कि मैं, ये मेरी 27वीं ईद थी पाकिस्तान में जो मैंने करी। उससे पहले 26 ईदें मैं यहीं पे करके गया था। तो रियली मैंने कभी इतने और इस ईद को ख़ास तौर पे क्या नाम है, वहाँ पे लास्ट मिनट पे अनाउंस हुआ कि ईद होगी 11 बजे के करीब। तो मैं ऐसे ही मार्केट में फिर रहा था, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं दवा शवा लेने के लिए गया था वहाँ पे। तो उसी वक्त अनाउंस हुआ, और रियली उस वक्त जिस तरीके से मैंने लोगों के, जिसको कहते हैं ना कि खुशी से दमकता हुआ चेहरा, कसम खुदा की वो मैंने वहाँ पे चेहरे देखे। और शायद इसकी वजह, वो चूड़ियों के स्टॉल पे जो बल्ब लगे होते हैं, शायद उसकी वजह से, लेकिन जो भी वजह थी, बहुत मुझे अच्छा लगा। और एक जनरेशन जो है वो उसमें से लोग घटते जा रहे हैं, हमारे दादा वाली जो है जनरेशन उसमें, और समहाउ मुझे वो लोग जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें से अक्सरियत जो है वो बेचारी जा चुकी हैं। और एनीवेज कुछ चीज़ें हैं कि इतनी सारी, ढेर सारी बातें हैं मेरे पास करने को, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है सबको एक साइड पुट टुगेदर करने में। लेकिन मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि सारी बात हो जाए। पाकिस्तान में मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ वहाँ के लोग, ऑफ कोर्स। और सबसे बुरी चीज़ मुझे क्या लगी? वहाँ की ट्रैफिक। ओह माय गॉड, इतनी फजूल, इतनी वायलेशंस वो लोग करते हैं ट्रैफिक के अंदर कि मैं, ओए होए होए, मैं चीखे निकल रही थी मेरी। और बस एक एक लेन के अंदर पांच पांच गाड़ियां, वो साबुनदानियों बराबर साज की जो होती है ना गाड़ियां, वो छोटी छोटी सी एफएक्स टोयोटा की जो है, पता नहीं सिटी है होंडा की या कटलस है सुजुकी की, ऑल्टो, दैट सॉर्ट ऑफ कार्स। और बस ट्रैफिक वायलेशंस इंतहाई ज़्यादा हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते हैं ना कि पता नहीं डिप्रेशन होगा मुल्क के अंदर, लोग खौफज़दा होंगे, या पता नहीं जैसे इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जा रही है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं बहुत फिक्रमंद था उसके लिए, लेकिन जब मैं गया हूँ और वहाँ पे जो अफरा तफरी है, किसी भी सड़क पे निकल जाओ, किसी भी गली में जाओ, लोग ही लोग नज़र आते हैं, और माशाल्लाह उन लोगों, वो खुशहाल हैं। उनके घर, ऐसा घर मैंने अमेरिका में नहीं देखा जैसे घर मैंने वहाँ पे देखे हैं। तो इतना बुरा भी हाल नहीं है जितना कि मीडिया या वहाँ पर रहने वाले आपको कभी फ़ोन पे बताते होंगे या आप सुनते होंगे। इतना बुरा भी हाल नहीं है। और तीसरी बात क्या है, कोई हुसन है उस मुल्क के अंदर? ओह माय गुडनेस, इट्स कदर हसीन लोग, ओए होए होए, मैंने इतना इतना ज़्यादा हुसन अमेरिका में नहीं देखा, कसम खुदा की, जितना मैं इन 21 दिनों में पाकिस्तान में देख कर आया हूँ। बहुत हसीन लोग हैं, कूड़े चुनने वाले बच्चों से लेके किसी को भी ले लो, मासियाँ, सारे जो लोग हैं सड़कों पे, बाजार में जो आपको नजर आते हैं, माशाल्लाह बहुत हसीन लोग हैं। और उसके ऊपर से क्या नाम है, बस अल्लाह रहम करे और हमारे वतन के ऊपर के, और इतनी जरखेज़ है वो ज़मीन के, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को छोटे से मुल्क ने संभाला हुआ है।
और अल्लाह करे कि ये इसी तरह से कायम रहे। इसमें जो गड़बड़ इस दौरान हो रही है आजकल के दौरान में, अल्लाह करे कि ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएं चीज़ें, और उसको वही अजमत मिले जो वो मुल्क डिज़र्व करता है, वो सरजमीन। और आखिरी बात यह है कि मैं ढेर सारी वीडियोस बना के लाया हूँ, ढेर सारे तस्वीरें उतारी हैं मैंने, तो वो सारी मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को वो उतनी ही अच्छी लगें जितनी अच्छी मुझे लगी थी। तो चलें ठीक है, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज़, मैंने बहुत टाइम बाहर गुजार दिया, बाहर से मरा दिया कि मैं जा नहीं सका पाकिस्तान अपने घर वालों के पास, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कसम से ये मेरी बरादराना आप लोगों से गुजारिश समझ लो, अगर आपको मौका मिले ना, ज़रूर 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 पाकिस्तान जाओ, कसम से। बाज़ लोगों की आंखें इस कदर मुंतज़िर होती हैं, ख़ास तौर पे हमारे वो दोस्त जिनके वालदैन सलामत हैं और बहन भाई सलामत हैं और वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो रियली मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि साल से ज़्यादा ना इंतज़ार कराया करें उन लोगों को, कसम से बहुत मुंतज़िर होते हैं वो लोग। और मतलब देखें ना, जो हमारे अमेरिका में मैं हूँ या कोई और यूरोप में है, कोई मिडल ईस्ट के अंदर है हमारे दोस्तों में से, तो रियली हम लोगों ने ये अपनी अपनी जगह चॉइस बनाई है, और जो पाकिस्तान है ना वो कुदरत की तरफ से हमें मिला है, तो जाहिर है कुदरत का और इंसान का तो मुकाबला नहीं हो सकता ना। तो ये सारी जगहें अच्छी हैं, सारी हमारे लिए हैं, तो इनसे इतना बेगाना जितना मैं रहा हूँ, आप लोग कोशिश करें कि आप इतना ना रहें, और ज़रूर जाएं अपने मुल्क, अपने अजीज़ों से ज़रूर मिलें, और मज़ा करें जैसे मैंने करा है। ठीक है, इसी नोट पे फिर आप सबसे दोबारा बात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।